पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी जाल बहुत सोच समझ कर बिछाए, लेकिन किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल उसमें फंसे नहीं और संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में कूद गए। बलबीर सिंह राजेवाल के साथ गठबंधन की केजरीवाल की कोशिशें नाकाम हो गईं, लेकिन केजरीवाल अभी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वजह ये कि अगर राजेवाल और चडूनी की पार्टी चुनावी मैदान में मोर्चा संभालती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। इस बात को खुद अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया, किसानों के चुनाव मैदान में होने का नुकसान उनकी पार्टी को उठाना होगा। अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय यात्रा पर पंजाब में है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि किसानों के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। केजरीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल से गठबंधन के लिए बात चल रही थी और राजेवाल खुद उनके घर पर भी आए थे, लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी पंजाब में 90 लोगों को टिकट बांट चुकी थी और 117 में से 27 सीटें शेष बची थीं। केजरीवाल से मुलाकात में राजेवाल ने 60 टिकटों की मांग की थी। केजरीवाल ने राजेवाल से कहा कि ये 90 और 90 आपके किसानों के ही बच्चे हैं, और रही बात गठबंधन की तो बाकी सीटों में से आप 10 से 15 सीटें ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम टिकट दे चुके हैं उनको नहीं बदला जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका पंजाब में निश्चित ही आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। बस यही राजेवाल से आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात खत्म हो गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न किसान संगठनों द्वारा गठित राजनीतिक पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा ने अपने 10 उम्मीदवारों को पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में समराला विधानसभा सीट से किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजेवाल संयुक्त समाज मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा के लिए 14 फरवरी को चुनाव होगा। पंजाब में पहली बार बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी राज्य की 117 सीटों में से लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर भाजपा के गठबंधन सहयोगी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ के बीच फंसे पेंच को ही सुलझाने में लगी है। फिलहाल सिद्धू और चन्नी दोनों सीएम कैंडिडेट बनने के लिए आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि चुनाव में 15 दिन पहले कांग्रेस सीएम कैंडिडेट का नाम ऐलान करेगी। हालांकि कांग्रेस किसी चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हम अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बताएंगे, तो ये आलाकमान का फैसला है। हर आदमी का एक बॉस होता है और हर किसी को उसकी बात सुननी पड़ती है। सिद्धू ने कहा कि जो इंसान अपने बॉस की नहीं सुनता फिर उसकी कोई नहीं सुन सकता। किसी पार्टी ने 70 साल तक देश चलाया तो ये अनुभव वाली बात है। पिछली बार कांग्रेस ने 15 दिन पहले पार्टी के चेहरे का ऐलान किया था, हो सकता है कि इस बार भी यही हो। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी में बुलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं दोहरे मानदंड वाले लोगों के पास नहीं जाने वाला हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग बाहरी ताकत के रिमोट के जरिए नहीं चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कल जो दिल्ली मॉडल था वो आज पंजाब मॉडल हो गया। सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुखौटा लगाकर घूमते हैं। केजरीवाल लोगों का चेहरा बनने से डरते हैं, यही कारण है कि उन्होंने कई लोगों को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। केजरीवाल हर रोज दोगुली जुबान बदलते हैं। वह पहले बोल देते हैं फिर बाद में सामने आकर माफी मांग लेते हैं। मैं केजरीवाल की तरह माफी मांगकर भागने वाला नहीं हूं। पंजाब की जनता ऐसे राजनेता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। सिद्धू ने कहा कि पीएम सिक्योरिटी का मसला पंजाब के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। पंजाब के लिए बढ़ता कर्ज, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बड़े हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 50 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 125 उम्मीदवार हैं और खास बात ये कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से क्रांति का दम भरने वाली प्रियंका वाड्रा ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को भी टिकट दिया, जिन पर विकलांगों के लिए मिला माल हड़पने का आरोप है।
अभी 6 महीने पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। उनके खिलाफ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाते हैं और इसी संस्था को साल 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने 71,50,000 रुपए की धनराशि दी थी। इस राशि से ट्रस्ट ने फरुखाबाद समेत 16 जनपदों में दिव्यांगों को उपकरण बांटने का दावा किया था, लेकिन साल 2014 में यह संस्था तब विवादों में फंस गई जब इसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। पता चला कि उपकरण बांटने के सभी काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित थे, वास्तविकता में तो किसी विकलांग को उपकरण मिले ही नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी 2014 में विकलांग उपकरण घोटाले का मुद्दा उठाया था और फरुखाबाद आकर एक रैली भी की थी। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि लगातार अपने चुनाव प्रचार में राजनीतिक शुचिता की दुहाई देने वाली प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने आखिर ये कौन सी क्रांति करने का बीड़ा उठाया है, जहां अपने एक वरिष्ठ नेता की पत्नी को टिकट देकर परिवारवाद को तो पालन पोषण किया जा ही रहा है, साथ ही घोटाले के आरोपियों को भी चुनाव लड़वाया जा रहा है। इतना ही नहीं, देश भर में NRC का मुद्दा, जिस पर मुसलमानों को भड़काने वाली कांग्रेस ने अपने एक और नमूने को चुनावी मैदान में उतारा। NRC को लेकर लखनऊ में हुई हिंसक प्रदर्शनों में यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी सदफ जाफर को भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। सदफ को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और 19 दिन जेल में भी रखा था। देश के सबसे बड़े राज्य में दशकों से सत्ता से दूर कांग्रेस कुछ इस तरह से बदलाव की वकालत कर रही है जहां वो अपने पुराने सभी मंसूबों को पूरा कर सके, जिसमें उसे महारत हासिल है, यानी घोटाले पे घोटाला करना और मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ साजिशकर्ताओं और दंगाइयों को बढ़ावा देना। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जहां 10 फरवरी 14 फरवरी 20 फरवरी 23 फरवरी 27 फरवरी 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेता एकजुट होकर प्रचार करने की जगह अपनी अपनी ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। CM चन्नी से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक और भारत भूषण आशु से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा तक सब ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। यही वजह है कि सिद्धू के होर्डिंग्स पर उनके अलावा कोई नहीं दिखता। यही हाल चन्नी और भारत भूषण आशु के होर्डिंग्स का है। किसी भी होर्डिंग पर किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है। जाहिर है किसी को कांग्रेस की नहीं अपनी चिंता सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री चन्नी की इंटरनेट मीडिया टीम रोज नए वीडियोस डालकर उनके स्टाइल और आम आदमी की छवि को प्रचारित कर रही है। कांग्रेस का सारा प्रचार उनके इर्द गिर्द ही है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू हर जगह अपने पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं। सिद्धू ने अपने पंजाब मॉडल के होर्डिंग्स में पंजाब के किसी नेता को स्थान तक नहीं दिया है। उनकी होर्डिंग्स पर सिद्धू के यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब का लोगो भी लगा हुआ है। सिद्धू की एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पंजाब मॉडल की होर्डिंग पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का फोटो न होना चर्चा का केंद्र बना रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू अपने ही मॉडल की बात करते रहे। सिद्धू इसलिए भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं क्योंकि उनके पंजाब मॉडल को लेकर कांग्रेस के ही मंत्री विरोध करते रहे हैं। सिद्धू की होर्डिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फोटो ने पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के गुस्से को और हवा दे दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा कहते हैं कि इस बात का जवाब तो सिद्धू ही दे सकते हैं। पंजाब के नेताओं का फोटो उनकी होर्डिंग्स पर क्यों नहीं है, लेकिन ये तय है कि चुनाव पंजाब कांग्रेस के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति के एजेंडे पर नहीं। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स चर्चा का विषय हैं। इनमें केवल आशु की फोटो है और इसमें लिखा है मैन ऑफ प्रोमिसेस। इसमें सिर्फ आशु ही छाए हुए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले हर जगह चन्नी के ही होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। चन्नी का ये प्रमोशन सिद्धू को कभी पसंद नहीं आया। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि शायद इसलिए अब सिद्धू ने अपनी होर्डिंग से चन्नी को हटा दिया है। कांग्रेस के प्रचार में भी तालमेल नहीं दिख रहा है। हाईकमान ने भले ही चुनाव प्रचार कमेटी का गठन करके इसके चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा कर दी हो, लेकिन कांग्रेस के प्रचार में कोई एक कॉमन एजेंडा नहीं दिख रहा है। सिद्धू सरकार पर हमलावर रहते हैं तो चन्नी का समय इस पर सफाई देते निकल जाता है।
सुखजिंदर रंधावा, मनीष तिवारी, सुनील जाखड़, प्रताप बाजवा, शमशेर सिंह दुलो और रवनीत बिट्टू समेत कई नेता एक दूसरे पर सवाल उठाते रहते हैं। The report, News of India. शरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की आपसी जंग का असर कांग्रेस पर दिखने लगा है। दोनों में जारी खींचतान की वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट तक जारी नहीं कर पा रही। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के लिए अब तक 6 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। अब इसका फैसला दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किए जाने की संभावना है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के लिए अब तक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में लगभग 40 से 50 नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद भी पार्टी द्वारा सूची जारी नहीं की जा सकी है। इस बार 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस की वापसी की उम्मीद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से बाहर करने और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी की जोड़ी सत्ता वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन सीटों को लेकर सिद्धू और चन्नी के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा तक पार्टी नहीं कर पा रही है। हाल ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकों में नामों पर मंथन के बावजूद केंद्रीय चुनाव समिति से एक की भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे सिद्धू और चन्नी का अपनी पसंद के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिलाए जाने की मांग है। अभी तक जितने भी नामों पर सहमति बनी है उनमें करीब 20 ऐसी सीटें हैं जिन पर सिद्धू और चन्नी सहमत नहीं हो सके हैं। 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए करीब 50 नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इनमें कुछ विधायकों और मंत्रियों की सीटों में भी बदलाव संभव है। कांग्रेस के टिकट के लिए अब तक कुल 1550 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और इन आए नामों में से पार्टी की ओर से तय की गई कमेटियों के द्वारा छंटनी के बाद ही योग्य नामों को अंतिम रूप दिया गया है। 24 मौजूदा विधायकों के टिकट रद्द किए जा सकते हैं। पार्टी के हाल ही में हुए एक सर्वे में आधा दर्जन मंत्रियों को दोबारा टिकट नहीं देने की सिफारिश की गई। कुछ विधायकों और मंत्रियों की सीटों में भी बदलाव की संभावना है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए भगवंत सिंह मान का पत्ता काटने की तैयारी कर चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने यह ऐलान किया कि पंजाब का सीएम कौन बनेगा, यह जनता तय करेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जनता से सीएम के नाम पर सुझाव मांगने के लिए एक फोन नंबर भी लॉन्च कर दिया है। पंजाब इस रेफरेंडम में जिसका नाम उभर कर आएगा, केजरीवाल उसे ही पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। बस केजरीवाल के इस रेफरेंडम के खेल में भगवंत मान का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रेफरेंडम का खेल कई बार कर चुके हैं और उसके नतीजे वही आए जो वे चाहते थे। माना जा रहा है कि पंजाब में वही खेल वे भगवंत मान के साथ खेलने जाले हैं, क्योंकि अब तक सारे चुनावी सर्वे में बतौर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में भगवंत मान का ही नाम सामने निकल कर आया है। लेकिन केजरीवाल को इन चुनावी सर्वे पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जनता से पूछना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि भगवंत मान ने कहा कि जनता मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं वो जिम्मेदारी पूरी करूंगा। बंद कमरे में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने का सिलसिला बंद करना चाहिए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा अगले हफ्ते हो जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना था कि पंजाब में किसानों के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी के वोट पक्का कटेंगे। केजरीवाल बोले कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई अपने बेटे को सीएम बना देता है तो कोई अपनी बहू को बना देता है, सीएम का चेहरा कोई अपने घर वालों को बना देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेताओं ने जैसे ही सियासत की दहलीज पर कदम रखे उनमें सत्ता की भूख बेतरह जाग गई। हालात यह है कि अब वही किसान नेता आपस में लड़ने लगे हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो बलबीर सिंह राजेवाल पर इग्नोर करने के आरोप भी लगा दिए और इस बात की चेतावनी भी दी डाली कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे।
असल में अरविंद केजरीवाल से गठबंधन की बात टूटने के बाद बलबीर सिंह राजीवाल ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से गठबंधन की बात शुरू की, लेकिन संयुक्त समाज पार्टी और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के गठबंधन में पेंच सीटों के बंटवारे को लेकर फंस गया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुखिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त समाज मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कर दिया कि अगर संयुक्त समाज मोर्चा गुरुवार तक उनके दल को 25 सीटें नहीं देता है तो फिर वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, और संयुक्त समाज मोर्चा की ओर से संयुक्त संघर्ष पार्टी को सिर्फ 9 सीटें ऑफर की गई हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि संयुक्त समाज मोर्चा के मुखिया बलबीर सिंह राजेवाल हमें इग्नोर कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान जब मैंने मिशन पंजाब शुरू किया तब भी मेरे साथ ऐसा ही किया गया, मुझे संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे कहा कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि साथ रहा जाए, लेकिन संयुक्त समाज मोर्चा से हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें सम्मान चाहिए, हमारे साथ कई दल जुड़े हुए हैं, हमें सिर्फ 9 सीटें ऑफर की जा रही हैं, हम चाहते हैं 25 सीट दी जाए, पर बलबीर सिंह राजेवाल ठीक से बात तक नहीं कर रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर गुरुवार शाम तक 25 सीट नहीं मिलती है तो संयुक्त संघर्ष पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसान नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान आंदोलन के सभी नेता साथ रहें, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर बलबीर सिंह राजेवाल 25 सीट नहीं देते तो फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इनके पास गुरुवार शाम तक का वक्त है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद संयुक्त समाज मोर्चा ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ गठबंधन को लेकर बात शुरू की। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में चल रही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि चुनाव समिति ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की वकालत की। इसके साथ ही बैठक में पहले, दूसरे और तीसरे चरण की 172 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई। भाजपा जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। बैठक से निकली खबरों के अनुसार भाजपा एक और तुरप का पत्ता खेल सकती है। बसपा के जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जाटव समाज को पहले से अधिक सीटें दे सकती है। 2017 में भाजपा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 85 सीटों में से 20 सीटों पर जाटव समाज के लोगों को टिकट दिया था। वहीं पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद के गठबंधन की धार कुंद करने के लिए भाजपा जाट और गुर्जर समाज के नेताओं को 2017 की तुलना में ज्यादा टिकट देगी। पिछले चुनावों में पार्टी ने सरदार बलदेव सिंह औलख सहित 16 जाट उम्मीदवार उतारे थे। वहीं अभी तक माना यह जा रहा था कि भाजपा योगी को मथुरा से चुनाव लड़ा सकती है। इस खबर को इसलिए भी बल मिल रहा था क्योंकि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण के बाद भाजपा का अगला निशाना भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा के पुनरुद्धार का है। भाजपा इस पर तैयारी भी कर रही है। सीएम योगी कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वो मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी नजर अब मथुरा के संपूर्ण विकास पर है। वहीं इस बैठक से ही ये खबर भी आई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा और दूसरे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। भाजपा ने पहले तीन चरणों के लिए 60 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया। यही कारण है कि कई विधायक और मंत्री मौका देखते ही दूसरी पार्टी में ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खान थे और अब भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव जीत लेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने जाटव वोट बैंक को साधने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दिलाकर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। भाजपा ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेबी रानी के करीब 90 सभाएं और बैठकें भी कराई हैं। एक और ताजा जानकारी के अनुसार अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके पुत्र प्रवीण निषाद ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीटों के बंटवारे पर बातचीत की।
अनुप्रिया ने अवध और बुंदेलखंड की आधा दर्जन सीटों समेत 2 दर्जन सीटों पर दावा किया, जबकि संजय निषाद ने भी 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में हाशिए पर चली गई बीजेपी में दोबारा नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद बीजेपी ने खुद को सशक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पंजाब में 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी के टिकट के लिए 4000 से ज्यादा लोगों ने टिकट के आवेदन किए हैं। कई कांग्रेस और अन्य दलों के बड़े नेता बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। चुनाव को 1 माह का समय रह गया है। बीजेपी भी चुनावी अखाड़े में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 4020 लोगों ने टिकट का आवेदन कर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सबसे अधिक आवेदन सूबे की हिंदू बेल्ट दोआबा से आए हैं। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, होशियारपुर, पठानकोट और मोहाली के शहरी क्षेत्रों में हिंदू ज्यादा हैं। यहां के शहरी क्षेत्रों से भी आवेदन करने वालों की संख्या अधिक है। सूत्रों का कहना है कि प्राप्त हुए आवेदनों पर पहले बीजेपी की राज्य इकाई मंथन करेगी। आवेदनों की छटनी करने के बाद उन्हें बीजेपी आला कमान को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि आवेदनकर्ताओं में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसान आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने पहली बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी के साथ 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी, तब ये बड़ा ऐलान हुआ। तो स्थिति अचानक इतनी बदल गई कि अब तक पंजाब में जो बीजेपी केवल हिंदू बहुल मानी जाती थी, अब वह अब राज्य में विधानसभा के लिए राजनीतिक केंद्र के मंच पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। चुनाव में अन्य दलों से लाए जा रहे सिख चेहरों की कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।